बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिसाइट थर्ड कलमा एंड दुरूद शरीफ। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 4 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड यू नो दिस इज द बेस्ट यूनिट इन दिस बुक बिकॉज इट इज अबाउट फर्स्ट एड एज अल्लाह सुबहाना ताला एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक दोज पर्सन्स हु हेल्प अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल इन हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है। एंड अल्लाह सुबहाना ताला आल्सो सेज दैट अ पर्सन हु सेव्स अ लाइफ is like a person who has saved all the human beings in this world. So the training of first aid is very important and we must learn and get this training, and it is a very kind deed, number 1. Number 2, this is a very important unit and we have completed our translation work, and after the translation it is very easy for you to answer the questions present in the book inside the lesson and outside the lesson. Dear students, before solving the question answers we must know some rules. How do we solve our question answers? We must know about the statements of about the question. For example, when we will write a question there are two kinds, number 1 imperative form and number 2 question form. Imperative form always starts from the first form of the verb. For example, write 3 qualities of this passage, and similarly discuss always comes in the end of the question. And after writing this question we must insert a full stop after the imperative statement. In Urdu we call it amar aur nahi ke jumle, yani ke hukm dena aur darkhast karne wala jumla. So we must know all these after writing or solving the question answers. And question answers are very important in examination point of view. You must write the spellings properly, correct, and it is very important. And your sentence should be correct and according to the question. Always answer to the point and don't miss the main points, and don't cut or double or repeat the answers. It is also a very bad activity. So these are the all main and important things you must know, and you must do it properly. Now it is a time for question answer. Topic about question answers. Answer the following questions. Question number 1, you should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? You should not keep checking, कि आपको ऑब्जर्व करना नहीं चाहिए, मुशाहदा नहीं करना चाहिए ये देखने के लिए कि आया कि खून रुक गया है. Why? ऐसा क्यों है? इसकी वजह, reason. आंसर में इसका जो है रीज़न है, वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि हमें जो है इस बात का मुआयना करने के लिए नहीं रुकना चाहिए कि आया खून का बहाव रुक गया है. वजह क्या है? बिकॉज दिस मे डैमेज, क्योंकि ये जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है और डिसलॉज या हटा सकती है द क्लॉट खून के लोथरे को दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम
और खून के दोबारा बहाव का सबब बन सकता है। तो इसको दोबारा प्रॉपरली देख लें कि यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप बाय के आपने ये नहीं देखना कि खून रुक गया है या नहीं। तो इसमें जो मसाइल तीन मसले प्रॉब्लम पैदा होंगे इसको दोबारा देखें कि वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है और डिसलाज या रास्ते से हटा सकता है, उस जगह से हटा सकता है क्लॉट उस खून के लतरे को दैट इज़ फॉर्मिंग जो बन रहा है एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम और दोबारा खून के अखराज का बाइस बन सकता है। तो इस क्वेश्चन आंसर को जो है ना अकॉर्डिंग टू द बुक आपने इस तरतीब पे लिखना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स के बाद क्वेश्चन अपने मार्क्स खो देता है। क्वेश्चन नंबर टू को प्रॉपरली देखें कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सो फ्रॉम इट, कि ये क्यों ज़रूरी है कि साबुन को ज़ख्म से दूर रखा जाए। तो इसकी वजह जो है आंसर, इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे, ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है टू कीप अवे सोप, के साबुन को दूर रखें फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड असल ज़ख्म से, बिकॉज क्योंकि इट कैन इरीटेट, चूँकि ये इसको ख़राब कर सकता है, क्योंकि इसको तकलीफ़ दे सकता है, चूँकि सोप में जो भी केमिकल्स होते हैं और ज़ख्म जो है जैसे ही उसके केमिकल उसमें जाएगा तो उसमें जो है ना मसाइल पैदा होंगे और उसमें सोजिश पैदा हो सकती है या उसमें जो है ना जलन पैदा हो सकती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप, इसलिए साबुन को दूर रखना ज़रूरी है। लेकिन कहाँ से? एक्चुअल सून, उसके जो इर्द वाला इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ पर आप धो सकते हैं, लेकिन असल ज़ख्म से कोशिश करें कि वो दूर रहे, बिकॉज इट कैन इरीटेट इट, क्योंकि ये इसको नुकसान पहुँचा सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, यह इसमें सोजिश पैदा कर सकता है। जो क्वेश्चन नंबर टू है इसको आपने प्रॉपरली इसी तरतीब पर टू द पॉइंट ट्राई टू आंसर द आंसर टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम आ ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग। अब ये एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट जो मरहम है वो क्यों ज़ख्म को ठीक करने में अच्छी होती है? तो इसमें एक रूल है वो आप जहन में रख लें कि ये खुद ब खुद एंटीबायोटिक क्रीम जो है ना इलाज नहीं करती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, ये उसके अमल को जो है ना यानी कि तेज़ करती है, उसको बढ़ा देती है, वो थोड़ा स्लो होता है तो उसके लिए ये मुआविन बन जाती है, जबकि जिस्म का निज़ाम जो है दिफाई निज़ाम है उसका इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद अल्लाह पाक ने रखा है, उसकी दिफा करता है। तो ये इसका आंसर है, एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम इज़ गुड इन हीलिंग, ज़ख्म के ठीक करने में या मुंदविल होने में, द वुंड ज़ख्म को ठीक करने मुंदविल करने में अच्छी होती है, बिकॉज इट फास्टन्स, ये जो है तेज़ कर देती है, फास्टन्स जो किसको, द बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, जिस्म के जो है वो अंदरूनी जो दिफाई निज़ाम है उसको, एंड हेल्प्स टू कीप एंड हेल्प टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, और सतह को नम रखने में जो है वो उसको जो है मुआवन सबे होती है। तो इसमें जो है ना ये यहाँ पर आप जो है ना ये वर्ल्ड जो है इसको इसको यहाँ पे हम फास्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये यहाँ पे आप इसको चेंज कर लें। और इसमें जो है ना दो चीज़ें और भी आपने देखनी है कि बिकॉज इट फास्ट तेज़ कर देती है, क्योंकि वर्ल्ड में थोड़ा सा उसमें आप दोबारा देख लें कि एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज़ गुड इन हीलिंग द वुंड बिकॉज इट फास्ट द बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस एंड हेल्प्स टू कीप द सरफेस मॉइस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटीरियल यूज इन मोस्ट बैंडेजेस। देखिए अक्सर पट्टियाँ जो इस्तेमाल होती हैं उसमें चिपकने की सलाहियत होती है, लेकिन बहुत से जिस्म ऐसे होते हैं जो एलर्जी की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते और रैश शुरू हो जाता है और उनको ख़ारिश शुरू हो जाती है, मसाइल पैदा होते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन में जो है ना ये बहुत ही अहम चीज़ है कि फ़र्स्ट एड में जो है ना उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन फौरी तौर पर फिर इसको चेंज करना पड़ता है, तो
क्वेश्चन बहुत अहम है कि व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज इन मोस्ट बैंडेजेस, कि आप क्या करेंगे कि बहुत सी जो पट्टियाँ उसमें चिपकने वाला मादा होता है जो कि इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसका मुतबादल क्या है? इसका मुतबादल इफ़ यू आर एडहेसिव, अगर आपको चिपकने वाले पट्टियों से टू एलर्जिक एलर्जी होती है जो मटेरियल है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, यूज इन मोस्ट बैंडेजेस जो कि ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होते हैं, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो फौरी तौर पर वो पट्टी इस्तेमाल करें जिसमें चिपकने वाले मादा ना हो, यानी कि वो मरहम पट्टी इस्तेमाल करें जिसमें चिपकने वाला मादा ना हो, आ स्टीराइल गॉज या जख्म जरासीम से पाक जो है वो पट्टी इस्तेमाल करें, हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर कागज़ के टेप को काट कर उस पर चिपका सकते हैं, इस तरह वो पट्टी के वो वहाँ पे चिपक के ऊपर टेप लगेगी और आपको जो है ना गाज आ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस या जो है ढीली ढाली जो है वो लचकदार पट्टियों को इस्तेमाल करें, यानी कि इफ़ यू आर एडहेसिव टू एलर्जिक मटेरियल यूज इन मोस्ट बैंडेजेस स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग अ स्टीराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप गॉज आर लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस। ये इसके ऑप्शन है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो पट्टी इस्तेमाल करने के बजाय जरासीम से पाक जो है सूती कपड़े की पट्टी होती है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन उसको वहाँ पे बरकरार रखने के लिए पेपर टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद जो है अगर वो नहीं है तो फिर जो है वो ढीली ढाली जो है वो लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें जो कि आसानी के साथ जो है लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बहुत ही अहम है, तो इसमें आपने देखना है कि व्हेन डू यू नीड टू सी योर डॉक्टर, क्योंकि बाज़ों का जो है ना आपको समझ नहीं आ रहा होती करना क्या है क्योंकि मसला हल नहीं हो रहा होता, क्योंकि ज़ख्म में रेडनेस शुरू हो जाती है या ज़ख्म में स्वेलिंग शुरू हो जाती है जिस्म में, या उसके बाद जो है ना वो ज़ख्म जो है वो उससे खून जो है ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो इस किस्म के मसाइल में इन सब को जो है ना ये इन्फेक्शन जो ज़ाहिर हो रहा है या मसला पैदा हो रहा है तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। इफ़ द रिकवरी, अगर सेहत याबी जो है अगर सही होने का अमल जो है स्लो है, इस स्लो द वाउंड इज़ इन्फेक्टेड या ज़ख्म जो है वो जरासीम ज़दा हो चुका है एंड नॉट हीलिंग और उसको ठीक नहीं हो रहा, यू शुड सी ए डॉक्टर, तब आपको जो है ना फौरी तौर पर डॉक्टर साहब से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर आप और कोई काम करेंगे तो इसमें ज़ख्म में मज़ीद इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार हो सकती है। तो इफ़ द रिकवरी इज़ स्लो आर द वाउंड इज़ इन्फेक्टेड एंड नॉट हीलिंग यू शुड सी अ डॉक्टर, कि अगर रिकवरी नहीं हो रही स्लो है और ज़ख्म जो है वो उसमें इन्फेक्शन जहर हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा, तब आप जो है डॉक्टर से रजू करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे अहम है कि जो आप पढ़ रहे हैं कि व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, तो ये आपके जो जितने फर्स्ट एड किट 11 चीज़ें हैं 11, 12, 13 यानी कि इसमें जो किट की चीज़ें हैं वो उसमें लिखी हुई हैं आपके यूनिटी में जो आखिरी इसका जो टॉपिक है तो उसके डिटेल यानी कि हेडिंग के साथ ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, तो उन सब को आपने कोशिश करनी है लिखना है कोई मिस ना हो, क्योंकि ये सारी की सारी फर्स्ट एड किट का अहम तरीन हिस्सा है। देखिए फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बुक, कि फर्स्ट एड किट जो है ये फर्स्ट एड बुक पर मुश्तमिल होनी चाहिए, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जिस तरतीब पर आपने फर्स्ट एड जो है वो देनी है, उसके बाद आपके बैंड एड्स हैं ये तैयार शुदा मुआविन पट्टियाँ होती हैं और ये बहुत अहम होती हैं, आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद इलास्टिक बैंडेजेस हैं ये वो लचकदार पट्टियाँ होती हैं और गाज यानी कि ये गद्दी की शक्ल में ये पट्टियाँ होती हैं, एडहेसिव टेप और चिपकाने वाली टेप होती है, एंटीसेप्टिक वाइप्स ये जरासीम कश जो है ये बारीक सूती कपड़े होते हैं जिसमें एंड कॉटन वूल और ये रुई होती है, इसके बाद सेफ्टी पिन है, ट्वीज़र्स है, चमटी, सीजर्स कैंचियाँ होती हैं कैंची काटने के लिए एक दो, लेटेक्स ग्लव्स ये रबड़ के दास्ताने हैं, उसके बाद क्लेमाइन लोशन ये बुनियादी तौर पर जो है वो लोशन होता है जो गुलाबी रंग का होता है जो
धूप की जलन को दूर करने के लिए, डंक लगने की सूरत में उसको आराम पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये गुलाबी कलर का होता है और खारिश के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये होना चाहिए, यानी कि एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि आपको टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए ये बहुत अहम है। एंड एनल्जेसिक टेबलेट्स, ये दर्द को दूर करने वाली गोलियां होती हैं, जैसे पैरासीटामोल है, और उसके बाद जो है यानी कि ब्रूफिन वगैरह और इस किस्म की जो एस्प्रीन है, ये टेबलेट्स हैं जो दर्द को रफ़ा करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पर फर्स्ट एड किट में शामिल होती हैं। आपको इनका बहुत अच्छे तरीके से यानी कि लर्न करने के बाद ये सारी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है ना आपको पता चलेगा ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं है बल्कि है, और ये क्वेश्चन गिवन विद इन द लेसन है। आखिरी क्वेश्चन जो अंदर है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी हंगामी हालात में फर्स्ट एड नॉलेज की क्या अहमियत है। तो द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स अस टू मैनेज क्राइसिस एंड समटाइम्स अ लाइफ कैन बी सेव विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक नॉलेज। तो ये बहुत ही अहम है, ज़िंदगी बचाने के लिए भी अहम है, हंगामी हालात में बहुत अहम करता है। तो ये आपकी डायरी भी है, इसको आपने लर्न करना है। जज़ाकअल्लाह।